आप ठीक लग रहे हैं ससुर जी? दर्द कुछ कम हुआ? हाँ ठीक ही है। अब तू मेहनत कर ही रही है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या ससुर जी? छोटी बहू जो मालिश करती है ना, मजा आ जाता है। ऐसी क्या बात है नीतू की मालिश में? ससुर जी, आपका दर्द बस अभी कम हो जाएगा। अब ठीक लग रहे हैं ससुर जी? हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? छोटी बहू को पहले से ही पता होता है कि दर्द कहाँ कहाँ है। बहुत ही कोमल स्पर्श है छोटी बहू का। ना रहेगा बांस, 9 बजे की बांसुरी। देखा आपने, अगर नियत में खोट हो तो रिश्ते किस तरह बदरंग होते चले जाते हैं। कहानी अपने आप में किसी सभ्य समाज को लज्जित करने वाली है। ये केवल एक ससुरी नहीं पर उसकी 2 बहुएं भी गरिमा की सीमा को लांघ रही। क्या ये वाकई में ससुर और बहू का रिश्ता है या फिर कुछ और? नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में आज की कहानी अवैध संबंधों की और इंसान के लालच और प्रलोभन की, जिसे देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बहू दूसरी बहू की शक्ल तक बिगाड़ना चाहती थी, और वो भी अपने ससुर का ध्यान आकर्षित करने के लिए। रूप से तो ये विधवा नहीं लग रही थी, तो ये सब चल रहा था क्या? उस वक्त उनके पति कहां गए? क्या होगा इस घिनौने खेल का अंत? आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता रवि, अगर पैसों के अलावा कोई बात है तो बोलो, लेकिन पैसे। हाय सुनील। हेलो नीतू। हाउ वाज योर डे बेबी? सब छोड़ो, कल कार की ईएमआई आने वाली है। तुमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए या फिर नहीं? मैं सुनील से उसी के बारे में बात कर रहा था। तुम क्यों परेशान होती हो नीतू? मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी रवि के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। रवि कितने मांगे थे? 36,000 ना? नीतू, अगर तुमने मुझे पहले बोला होता तो वो 2 महीने की ईएमआई भी बाउंस नहीं होती। ये लो, हो गया ट्रांसफर। थैंक यू सुनील। तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में तुम दोनों को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? अब दारू कब पिलाएगा? अरे वो बात नहीं है। पता है पता है, ये ले, चल लिया। लेकिन तुम नहीं? हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ, तू लिया।
अरे छोड़ो ना रवि, मैं थक गई हूँ। छोड़ो, तुम मेरे कमरे पे क्या कर रहे हो? अरे रे नीतू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस यूँ समझो रवि हमें मौका देकर गए। अरे ये क्या इसीलिए मैंने पैसे दिए थे? ईएमआई भरी है, गाड़ी कितने दी है? नीतू, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसे कीमती और पेश कीमती का अंतर समझा रही थी। अरे छोड़ो, मैं बोतल ले आया हूँ, पीते ना चल के। अगर शराब में नशा होता तो झूमती बोतल में। कल झूम दिव्या, ये मेरा फोन कहाँ है यार? ये रहा बाबा, ये लो। क्या हुआ, किसका फोन है? मामा जी, ये जो शहर में छत है ना तुम्हारे सर पे, ये देख रही हो इतनी आलीशान हवेली, ये सब मामा जी की मेहरबानी है। ठीक है, उठा लो, लेकिन मेहरबानी के बदले अपनी कुर्बानी मत दे बैठना। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामा जी। हाँ हाँ प्रणाम, आपके पिताजी से ही मिलने जा रहा हूँ। आप लोग तो आते हैं नहीं, और हमें आपकी तरह कर्तव्य भूलना नहीं आता। अरे नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको फोन करने ही वाला था। पापा की तबीयत कैसी है? बड़े शर्म की बात है बेटा, दो जवान बेटे होने के बावजूद भी इस उम्र में वो बिल्कुल अकेले हैं। बेटा अगर हो सके तो उनकी देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए बहू को यहाँ भेज दे। अरे उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा बेटा। मामा जी, मैं इस बारे में रवि से बात करता हूँ, करता हूँ मैं बात। अब क्या करें पिताजी का? पूछो अपने भाई से कम वो जिम्मेदारी उठाने के लायक तो है। मेरी एक बात याद रखना, कोई भी कमिटमेंट मत कर देना अपने भैया के साथ कि तुम्हें वहाँ गांव जाना पड़ जाए ससुर जी के पास, समझे बात को? आखिर कौन उठाएगा उनका बोझ? मैं देखती हूँ। मनीष, आओ आओ मनीष, बैठो आओ। जी आप ठीक तो है ना? मनीष, जब तुम आते हो ना तो लगता है तुम्हें मेरा भी कोई है। जिया जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो आपके अपने ही हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? लेकिन जिया जी, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, इस डायरी को आप इतना छुपा कर क्यों रखते हैं? ऐसा इसमें खास क्या है? यादें, तुम्हारी दीदी से जुड़ी हुई यादें, वो ख्वाब जो हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए देखे थे, लेकिन अफसोस शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है तो मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। भैया आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं और नीतू जॉब करते हैं, और यूं अचानक पापा को गांव से लाने के लिए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती है। अच्छा आप ये बताइए, उन्हें वहां रहने में क्या दिक्कत है आखिर? मनीष, मैंने तुमसे और अपने बेटों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात जिया जी? अभी पिछले दिनों मुझे हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? जिया जी, मनीष, वो जो तुम्हारी दीदी ने मेरे लिए करवा चौथ के व्रत रखे थे ना, उनकी वजह से मैं बच गया।
नहीं तो आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने लायक में नहीं बचता। दीदी आप क्यों नहीं चली जाती गांव ससुर जी के पास? और वैसे भी आप कौन सा कोई जॉब करती हैं? अगर आप वहाँ जाएंगी तो ससुर जी की देखभाल भी हो जाएगी और आपका मन भी लग जाएगा। नौकरी नहीं करते तो क्या हुआ, नौकरानी मन के गाँव चले जाए। वैसे भी ससुर जी के पास है ही क्या कि कोई उनकी सेवा करे? कुछ बीघा जमीन और वो भी बंजर। जिया जी ये बात तो आपने कभी हमें बताई नहीं कि उस बंजर जमीन की आपको सरकार 10 करोड़ रुपया दे रही है। अब 10 करोड़ का मैं क्या करूंगा? सुना है वहां पर सरकार रेलवे स्टेशन बना रही है, पर मुझे लगता है उस स्टेशन पर मेरे बच्चे भी मुझसे मिलने नहीं आएंगे। आप चिंता मत करो जिया जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो। अरे जिया बैठिए मैं चला जाऊंगा, अपना ध्यान रखो। ये पिताजी, ये पिताजी क्या नौटंकी चल रहा है? पता नहीं क्यों लेकिन भैया जब से ससुर जी को घर पर लेकर आए ना, तब से ही ये ससुर सेवा का नाटक चल रहा है। दिव्या, दिव्या, दिव्या देखो कौन आया है। प्रणाम ससुर जी। जीत रहा। दिव्या जाओ पिताजी को खोल दीजिए। हाँ आइए। संभाल के। अरे दिव्या संभाल के, पापा को सहारे की जरूरत है। जब से दिल का दौरा पड़ा है ना तो तबीयत खराब रहती है थोड़ी, आराम से ले जाओ। हाँ ले जाओ। अरे विजय वो ससुर जी का लगेज तो आपने। अरे तुम लगेज वगैरह छोड़ो, मेरी बात सुनो। बाबूजी की सेवा में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। तुम्हें पता है सरकार ने हमारी जमीन का मुआवजा ना 10 करोड़ रुपए में तय किया है। क्या 10 करोड़? इतने में तो हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और सारे सपने पूरे होने के बाद भी ना कुछ करोड़ छुट्टे बच जाएंगे। तभी मैं सोचूं कि दाल में जरूर कुछ काला है। कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अब तड़का इसमें मैं लगाऊंगी। मतलब? मतलब ये कि तड़का लगाने के लिए मसाला हमारे पास नहीं है रवि। दीदी चाल तो आपने बड़ी खूब चली है पर शायद आप भूल गए कि मैं भी चालबाज हूं।
वाह रसिया वाह, ये छोटी बहू तो जैसे तेरे लिए ही तैयार हो रही है। इसे नजदीक लाने के लिए कोई ना कोई पासा फेंकना ही होगा। बाबूजी, क्या हुआ आपको? घुटने में दर्द हो रहा था तो मालिश के लिए तेल लेने जा रहा था, पतिया चक्कर आ गया। अरे टीवी को ऐसे आपको अकेले नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका ख्याल रखूंगी। चलिए मेरे साथ। लेकिन वो ससुर जी, मैंने कहा ना आप मेरे साथ चलिए, आपके इन घुटनों में मैं तेल भी लगा दूंगी और आपका ये दर्द कम हो जाएगा। चलिए मेरे साथ। अरे उठिए उठिए उठिए, ध्यान से। अरे मैं थोड़ा भारी हूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा। सासू जी को सेब बहुत पसंद है, अपने हाथ से काट के खिलाऊंगी। अगर तू देवरानी है तो मैं भी जेठानी हूँ। 10 करोड़ तो दूर की बात है, एक फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगी। अरे ससुर जी, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? जरा बड़ी बहू के यहाँ जा रहा था। क्या उन्होंने आपको कॉल किया था? रुकिए मैं उन्हें फोन करती हूँ। अरे नहीं बहू, उसने नहीं कहा कुछ। दरअसल मैं वहाँ नहाने जा रहा हूँ। आप वहाँ नहाने जा रहे हैं? यहाँ पानी नहीं आ रहा है क्या बाथरूम में? अरे नहीं बहू, पानी तो है पर नहलाने वाला कोई नहीं। वो क्या है कि दिल के दौरे के बाद हाथ पैर ठीक से चलते नहीं, जगह जगह साबुन रह जाता है। ससुर जी आप चलिए मेरे साथ। ये क्या छोटी बहू, ये तो चीटिंग है। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ ना आओ। ससुर जी, अरे अरे ससुर जी बस कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा। ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी होता। लीजिए नहाइए, अच्छा लग रहा है ना आपको? आज तो आपको मजा आ गया होगा ना? ससुर जी कोई भी काम हो तो मुझे ही आवाज दीजिएगा। क्या था ये सब, क्या चल रहा था ये? ससुर जी को नहला रही थी बस। बस हाँ,
अरे वो कमजोर है ना, हार्ट अटैक आया था उन्हें, इसलिए बस उन्हें नहला रहे। मैं मर गया क्या? मैं भी उन्हें नहला सकता हूँ अच्छे से। अगर तुम्हें नहलाना होता तो वहाँ भैया ना नहला देते। मतलब वहाँ भाभी? हाँ भाभी। अच्छा तभी भाभी ने कहा था कि पापा को एक हफ्ते वहां और एक हफ्ते यहां रखना है। खेल तो सिर्फ इस बात का है कि किसकी खातिरदारी ज्यादा है। ठीक है।